सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मीठे गुलगुले, जो कि सर्दियों में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और किसी भी नमकीन पकोड़े या दाल के बड़े के साथ इसका मैच होता है, क्योंकि बड़े बनते हैं तो अक्सर मीठे गुलगुले भी घर पे बनाए जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मीठे गुलगुले मेरी स्टाइल में। मीठे गुलगुले बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तलने के लिए ऑयल रखा है और साथ ही साथ मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसको मैंने छान लिया है और आटा मैंने करीब 200 ग्राम रखा है। तो गुलगुले को सॉफ्ट और अच्छा सा फूला फूला बनाने के लिए उसमें मैं आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। कई लोग दही भी डालते हैं, कई लोग उसको थोड़ी देर घोल के रख देते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं। तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालने से आप देखना कि गुलगुले कितने अच्छे बनेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैंने लिए शुगर, तो इसमें थोड़ी हम शुगर डालेंगे। साथ में थोड़ी इलायची लिए, इसको छील के इसके दाने निकाल के मैं पीस लूंगी। तो और साथ में मैंने लिया है गुड़, तो मैंने गुड़ और शुगर को हाफ हाफ डालूंगी, आधा आधा। और कई बार जब गुलगुले बनाते हैं तो खाली गुड़ से भी बना सकते हैं आप, या फिर खाली शुगर के भी बना सकते हैं। जनरली लोग गुड़ के बनाना पसंद करते हैं, पर मैं दोनों आधा आधा इसमें मिलाऊंगी तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इलायची की इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और कई लोग इसके अंदर तिल डालते हैं या कई जने इसके अंदर सौंफ भी डालना पसंद करते हैं। तो यदि आपको पसंद है तो आप थोड़ी सी सौंफ या तिल डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर इलायची डाल रही हूँ, मैं सौंफ और तिल नहीं डालूंगी, तो मुझे ये ऐसे ही पसंद है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं गुलगुले। मीठे गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले इसका पानी, जो इसमें हम ये गुलगुले का घोल तैयार करते हैं, तो वो हम बना लेते हैं। तो मैं करीब आधी प्याली गुड़ इसके अंदर डाल दूंगी, बिल्कुल बारीक कर दिया ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। और क्योंकि शुगर भी मिला रहे हैं हम, तो मैं शुगर डाल दूंगी आधी। और किसी को यदि खाली गुड़ के पसंद हो तो गुड़, या फिर शक्कर के तो शक्कर डाल सकते हैं। और दोनों मिक्स करके बनाते हैं तो अच्छा लगता है, तो मैंने दोनों मिक्स कर दिया है। थोड़ा गुड़ और डाल देते हैं हम, अच्छा आएगा इसका फ्लेवर और अच्छे से थोड़ा मीठे भी होने चाहिए तो गुलगुले अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने ये मिला दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा आधा आधा कप पानी डाल दूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसको हम हल्का सा गरम कर लेंगे। थोड़ा गरम हो जाएगा तो ये अच्छे आसानी से इसमें घुल जाएंगे। और ये जो इलायची पाउडर है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, तो इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, गर्म पानी में अच्छे से घुल भी जाएगा, ये मैश हो जाएगा। तब हम इस पानी को एक बार छान लेंगे, कई बार गुड़ में भी कचरा आ जाता है, शक्कर में भी होता है, तो इलायची का भी फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो कचरा भी होगा वो निकल जाएगा। तो हम छान के फिर उस पानी में इसको घोलेंगे। तो हल्का सा अब हम इसको गर्म कर लेते हैं। तो जो हमने गुड़ और शक्कर मिला के ये पानी रखा था, तो उसको मैंने आंच पे रख दिया गैस ऑन करके। और अब मैं इसको थोड़ा हिला रही हूँ ताकि गुड़ नीचे चिपक ना जाए, और इसको मैश भी कर रही हूँ चम्मच से थोड़ा, तो जल्दी हमारा ये हो जाएगा। तो हल्का सा जब ये गर्म आ जाए, हो जाएगा, तो इसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि हमको चाशनी नहीं बनानी है, हमको सिर्फ गर्म पानी करना है ताकि ये गुड़ आसानी से घुल जाए। तो अब मेरा पानी हल्का सा गर्म हो गया है, ये देखिए आप। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और अब इसको अच्छे से मैश कर देंगे चम्मच से। फिर मैं इसको छानूंगी तो थोड़ा ठंडा हो जाए ये, फिर मैं इसको छान लेती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने ये पानी को गर्म करके इसमें गुड़ शक्कर और इलायची मिलाई थी, उसको मैं छान लूंगी बारीक छन्नी से। तो इस तरह से हम इस पानी को छान लेंगे। और थोड़ा बहुत यदि नीचे डली बची तो उसको भी हम इसमें से मैश करके हल्का सा इसके अंदर पानी डाल के इसमें मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो इलायची, गुड़ और शक्कर मिला के जो पानी हल्का सा गर्म किया था, और गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, शुगर भी मेल्ट हो गई है, तो उसको हमने छान लिया बारीक छन्नी से। तो अब इसको हमने छान लिया है, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे करीब आधी टीस्पून, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, उससे हमारे गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो हम इसको पानी में इसलिए मिला रही हूँ ताकि जब आटा डालने के बाद इसके अंदर मिलाते तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो इसको मैंने डायरेक्ट पानी में मिला दिया है। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे चम्मच। और अब मैं इसके अंदर धीरे धीरे आटा मिलाती जाऊंगी, और इसको हाथ से, या आप चाहें तो चम्मच से, हाथ से ज़्यादा बेटर होते हैं, तो फेंट लेंगे हम इसको। तो अब हम इसके अंदर आटा मिलाएंगे, गेहूं का आटा लिया है मैंने, छान लिया उसको। तो अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे। तो पहले मैं 2 से 3 चम्मच आटा मिला लूंगी, और इसको हम हाथ से घोल लेंगे। हाथ से क्या होता है कि हम इक्वली इसको घोल सकते हैं, इसमें
गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, लम्स वगैरह। तो हाथ से हम इसको अच्छे से घोलते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आटा मिलाते जाएंगे इसके अंदर। तो अब फिर से मैं थोड़ा इसमें आटा मिला लूँगी। और अभी जब पूरा तैयार हो जाएगा घोल तब मैं आपको बताऊंगी कि कितना गाढ़ा इसको रखना है, मतलब कितना पतला कितना गाढ़ा इसको रखना है उस हिसाब से। तो अभी इस पूरा तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा आटा और मिलाएंगे हम। और आप लोग जिस हिसाब से आटा ले रहे हैं उसी हिसाब से आप गुड़ और शक्कर ले लें, तो अच्छे से मीठे होंगे तब अच्छे लगेंगे गुलगुले हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा आटा इसमें मिला दिया है धीरे धीरे करके और इसको घोलती गई ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बनना चाहिए हमारा ये गुलगुले का, ये देखिए आप इस तरह से। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे, करीब 5-10 मिनट के लिए, और फिर हम इसके गुलगुले बनाएंगे। बहुत ज़्यादा देर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है और अब ज़्यादा फेंटना भी नहीं है क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है तो उससे ये बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स गुलगुले बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है और हमारी बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल कढ़ाई जिसको कि हम कहते हैं तले गुड़े करने वाली कढ़ाई, यानी कुछ तलने का आइटम कुछ करना होता है तो हम इसी में तल लेते हैं ताकि दूसरी कढ़ाइयाँ ख़राब ना हो, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है और इसमें कुछ इसका नहीं बिगड़ता है, सालों पुरानी है। तो मैंने इसको इसके अंदर ऑयल डाल दिया, अब हमारे इसके अंदर गुलगुले तलेंगे हम। तो फ्रेंड्स मीठी चीज़ है गुलगुले तो उसको तलने, वैसे तो ऑयल में ही तले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी डाल दे तो उससे क्या होगा कि जो ये ऑयल का फ्लेवर है वो बिल्कुल घी जैसा, मतलब अच्छा सा आएगा इसके अंदर फ्लेवर, घी का भी आएगा। तो गुलगुले हैं मीठे हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे, ये मेरी स्टाइल है। और आप लोग चाहें तो खाली ऑयल में बना सकते हैं, घी नहीं डालें तो भी चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुलगुले का बैटर मेरा इस तरह का है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। और यदि आपको लगता है कि ये गुलगुले हमारे थोड़ा सा घोल पतला हो गया है, आप एक गुलगुला ऑयल के अंदर बना के छोटा सा ट्राई कर सकते हैं, उसको चख भी सकते हैं। यदि आपको शुगर कम लग रही है, गुड़ कम लग रहा है तो शुगर पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं, ये पीसी भी शक्कर है, थोड़ा सा गुड़ भी घोल के डाल सकते हैं यदि आपको लगता है मीठा कम है। और यदि आपको लग रहा है घोल कम पतला हो गया, थोड़ा सा आटा मिला लें इसके अंदर और एक गुलगुला इसके अंदर छोटा सा बना के आप देख सकते हैं कि ये हमारा गुलगुले कैसे बन रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपके इसके अंदर मीठा या आटा जो भी मिलाना है वो मिला के और बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे गुलगुले बनाना। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसको हम मीडियम पे कर देंगे ताकि एकदम से डालते ही हमारे गुलगुले बाहर से जले नहीं और अंदर से कच्चे नहीं रहे, इक्वली सिकेंगे वो। फ्रेंड्स हम गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। कई लोग चम्मच से भी डालते हैं लेकिन मैं हाथ से डालना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि हाथ से डालने से ये हमारे बिल्कुल गोल गोल गुलाब जामुन की तरह फूल फूल के बनेंगे हमारे गुलगुले, बहुत ही मस्त बनेंगे। तो ये देखिए आप बिल्कुल ट्रेडिशनल और पुराना तरीका और ट्रेडिशनली कढ़ाई हमारी और हमारे ट्रेडिशनल अंदाज के गुलगुले, क्या कहने हैं इनके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे गुलगुले कितने अच्छे फूल रहे हैं एकदम गोल गोल। अब इनको हम पलट देंगे हल्का फुल्का इस तरह से और मीडियम आंच पे सिकने देंगे इनको। बहुत तेज आंच पे क्या होता है कि बाहर से जल जाते हैं, एकदम काले काले हो जाते हैं और अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से देखिए आप एकदम बॉल की तरह हो गए ये फूल का, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप जैसे वो बना के खिलाएंगे तो ज़रूर तारीफ करेंगे कि आपने ये गुलगुले कैसे बनाए। तो आप देखिए बहुत ही अच्छे से बनेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका है ये गुलगुले बनाने का और सॉफ्ट गुलगुले और अच्छे फूले हुए बनाने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे गुलगुले अब बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल काला इनको नहीं बना है, अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में। तो आप देख सकते हैं गुलगुले सिक गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम और बना लेंगे हमारे गुलगुले। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी गुलगुले बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा मीठे गुलगुले खाने में कितने स्वादिष्ट होते हैं और कुछ आप इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैंने बनाए, आधी गुड़ और आधी शक्कर से।
तो आप चाहे तो खाली गुड़ के या खाली शक्कर के बना सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला के बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और जिस तरह से मैंने बनाया इस तरह से बनाएंगे तो फूले फूले और लाजवाब गुलगुले बनेंगे और सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो आप इसे सर्दियों में जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुकबुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।